देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। कार्यकर्ता हुए आज हमारी ऊपर हमलो करो छे आ देखाय आवे छे स्पष्ट के कवि रीते आखुज लोई लोई छु साजिद भाई ये देख सकते हैं आपकी यहां पे एबीवीपी का जो एनएसयू के स्टूडेंट्स यहां पे पहुंच रहे थे उनके ऊपर एबीवीपी के छात्रों के जरिए हमला किया गया है। यहां पे लाठियों से हमला किया गया। ये देखिए एबीवीपी के छात्र किस तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अहमदाबाद की सड़क पे इस तरीके से एबीवीपी के छात्र गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं और उनके साथ बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋत्विज पटेल भी मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ऋत्विज भाई ये बताइए हमला क्यों किया गया इस तरीके से। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में अभी झड़प हुई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एबीवीपी कार्यालय पर उनका आने का प्रयोजन था और दोनों विद्यार्थी गुटों में यहाँ पर जो झड़प हुई है यहाँ पर यही। लेकिन हमने देखा किस तरीके से लाठियों से मारा गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाठियों से मारा है। आप पहुँचे तभी मैं पहुँचा हूँ। हम सब साथ में पहुँचे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि क्या हुआ है। बिल्कुल भी जिसे ये जो हिंसा हुई है उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता थे जो लाठियों से मार रहे थे छात्रों को, मुझे देखना पड़ेगा कि वो एबीवीपी के थे कि एनएसयूआई के थे। अरे आप, मैं अभी पहुंचा हूँ। आप उनके साथ? मैं दौड़ ही नहीं सकता भाई, मैं अभी पहुंचा हूँ। कार्यकर्ताओं नु झुंड नहीं, एबीवीपी और युवा मोर्चो अलग विषय छे। अहीं जे रीतनी झड़प थई अमारी भूमिका शांति राखवानी होय अने शांति प्रक्रिया में लमाडेला छे। इसीलिए लाठिया दी गई थी, इसीलिए एबीवीपी के छात्र छता गुंडो अलग विषय छे अने एनएसयूआई ना लोको एबीवीपी ना कार्यकर्ताओं पर हुमलो कर्यो छे। साची हकीकत पोलिस तपास में बहार आवशे। लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता लाठीदार जवाबदार लोको जे आमा होय एमना विरुद्ध कड़क पगला पण लेवा जोईए हुं मारुं स्पष्टपणे मानुं छुं। बिल्कुल ये थे और यहाँ पे बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिनका कहना है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हुई है। लेकिन हमने साफ देखा कि किस तरीके से एनएसयूआई के जब छात्र यहाँ पे पहुँच रहे थे तो सामने की ओर से एबीवीपी के जो छात्र है वो लाठियाँ लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। महामंत्री जी भाजपा तमाम लोगों हमारे पर खुलेआम हमलो करो छे। लाकड़ी डंडा चाकू वड़े पण हमलो करो छे अने पोलीस तमाम पोलीस तंत्र ने साथ ने सहकार आपी रही छे। खुले आम डंडा लईने फरी रही छे छतां पोलीस तंत्र एनी ऊपर कोई ए पोलीस ने पोलीस एमना ऊपरथी डंडा नथी लेती। ये बताइए क्या हुआ था, किन लोगों ने हमला किया? एबीवीपी के गुंडो ये नहीं पोलीस। अरे बाकी उठे मैं कह रही हूं। ये देखिए आप किस तरीके से पुलिस भी अब यहां से लेके जा रही है और एंबुलेंस आवे तो नहीं जाओ हम भी अंदर जाइए। निखिल ये बताइए। अरे निखिल ये पुलिस ये देखो ये बीएस रबारी साहब अभी मेरे को बदनाम करने के लिए ये मेरे को एक और लगा है तो भी ये एबीवीपी का साथ देके हमको गुमराह कर रहे हैं। निखिल किसने मारा? किसने अंकित एबीवीपी के गुंडों ने मारा, ऋत्विज पटेल ने मारा, प्रदीप सिंह जो महामंत्री है उसने मारा। अंकित आ भी जा अंदर। अरे रुको तो सही भाई, मेरे को आने तो दो मेरे लोग को। अब ऐसे ही मेरे को मार देंगे? अब मारने में तो उस्ताद हो। ये बताइए सर आप लोगों ने पुलिस ने क्यों अपनी फर्ज अदा नहीं की? मीडिया को रोका जा रहा है, पुलिस एबीवीपी के साथ खड़ी थी।
ओए पुलिस थोड़ी छुट्टी छुट्टी आपी है पुलिस ने क्या पुलिस ने छुट्टी अरे साहब रुको तो एक मिनट साहब डंडा लेने आवे तो छुट तमे आपी थी पुलिस ने कोई छुट्टी आपी नहीं पुलिस लो एंड ऑर्डर माता एबीपी ना कार्यालय कांग्रेस से घेराव करायो तो क्या बंदो चालू तो आप बना वाकर बने हो सर आपने धक्का कैसे दिया आपने धक्का कैसे दिया अरे पण किसने डारिया जब हम लोग बात कर रहे थे तो धक्का इन्हें पहले ट्रीटमेंट मेडिकल माटा पहुंचा रहा हूं तो मेडिकल माटा लेके आई है धक्का कोने मारियो है लेकिन मैम मैम एक बात ये बताइए कि पुलिस यहाँ पे मौजूद थी बावजूद उसके एबीवीपी के छात्रों ने बकायदा सड़क पे आके गुंडागर्दी मेडिकल इमरजेंसी थी उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया लेकिन एबीवीपी के छात्र पुलिस होने के बावजूद भी कैसे मार सकते हैं सर पुलिस की कार्यवाही क्या एक तरफा होती है नहीं नहीं हमारी पुलिस की जो लीगली हम जो किया है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि हम सब यहाँ पे साक्षी हैं हमारे कैमरे ने ये कैद किया है कि किस तरीके से पुलिस और एबीवीपी के जो छात्र हैं वो साथ चल रहे थे और एबीवीपी के छात्रों ने जाके सीधा हमला किया ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे उसमें सर इन्वेस्टिगेशन से आगे कुछ होगा इस पे कार्यवाही जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की कार्यवाही करेगी ये थे पुलिस यहाँ के जो एसपी है वो यहाँ पे थे और उनका ये सीधे तौर पर कहना है साफ तौर पर पुलिस भी अब जिस तरीके की एबीवीपी ने ये करतूत की है उसके सामने कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि हमने ये साफ देखा है कि किस तरीके से एबीवीपी के छात्रों ने आके एनएसयू के छात्र जब सामने से प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां भांजी यही यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता थे उनको खून निकल आया और पुलिस उनके साथ चल रही थी।